क्वेश्चन नंबर टू का टू यानी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन वो देखें, एफ एक्स इज इक्वल रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हमें फाइंड करना है रियल नंबर पे रेंज और डोमेन, ठीक है, डोमेन और रेंज। तो इसके लिए भी हम वन बाय वन वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, एंड सो ऑन, क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रियल नंबर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री ऐसे करके डैश 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 माइनस इनफिनाइट और प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, डैश 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 प्लस इनफिनाइट, प्लस इनफिनाइट की वैल्यू रियल नंबर पे हमने बना लिया एक डायग्राम, ठीक है। और ऐसे ही एक और बना लेते हैं जो हमें फंक्शन में बनाना रियल नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी रख देते भाई, तो ज़ीरो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डैश 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 माइनस इनफिनाइट और प्लस वन, प्लस प्लस टू, प्लस थ्री, डैश 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 और ए, ठीक ना। देन इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स वैल्यू हम जीरो रख दिए, एफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू रूट पे रखे तो नाइन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर हुआ, देन आया कितना नाइन, और नाइन बाहर आया तो थ्री आया, ठीक है। तो ज़ीरो रखने पे क्या मिला, थ्री, ये आ गया ज़ीरो से थ्री पे। फिर हम यहाँ पे अगेन f की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, माइनस थ्री ले रहे हैं, ठीक है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो नाइन माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि x की स्क्वायर है यहाँ पे, हम तो इसको हम जब सॉल्व किए तो कितना हुआ, देखिए आप, नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ही होगा, इम्प्लाइज यहाँ ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट इक्वल पे नाइन माइनस नाइन तो ज़ीरो हुआ, देन बिकम ज़ीरो। तो हमने माइनस थ्री लिया तो ज़ीरो आ गया, ये स्टॉप हुआ यहाँ पे। एक वैल्यू और लेते हैं, अब हम फंक्शन को थ्री लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो रूट सॉल्व हो जाएगा। तो नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर जब किए तो आपने देखा होगा नाइन माइनस नाइन, तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो। तो इस बार थ्री लिए तो ज़ीरो पे टारगेट किया, आ समझे। अब ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो नाइन के साथ सबट्रैक्ट करने पे रूट सॉल्व होगा, इसलिए मैंने उनको रखा नहीं। तो हमने वैल्यू ज़ीरो ली, क्योंकि ज़ीरो रखने पे नाइन सॉल्व हो जाएगा, और साथ ही साथ ज़ीरो के साथ माइनस थ्री लिया, और एक बार प्लस थ्री भी लिया, ठीक है। अब आते हैं डोमेन और रेंज को फाइंड करने में। तो देखो, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, और रेंज क्या होता है, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप देख करके जान जाएंगे कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में आप देखो तो ये प्लस थ्री और माइनस थ्री पे वैल्यू रुक गई है, तो ये जो डोमेन हम लिखने वाले हैं वो क्या होगा, डोमेन जो होगा वो क्या है, माइनस थ्री, माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल थ्री, माइनस थ्री से ये थ्री हो गया, ठीक है, एक क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने। वहीं रेंज का देखें तो रेंज क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे रेंज जो है ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है ना, तो रेंज हो जाएगा जीरो लेस देन आर इक्वल एक्स, और एक्स हुआ, ठीक है, और एक्स लेस देन आर इक्वल थ्री, ये हो गया आपका रेंज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को अगर हम चाहें कि इंटरवल के विदाउट दिखाएं तो फिर आर करके हम इसका आंसर इस प्रकार भी दे सकते हैं। देखो कैसे, माइनस थ्री और थ्री दिखाएंगे और ये क्लोज इंटरवल दिखाएंगे, ठीक है, आर इसमें दिखाएंगे तो जीरो या फिर थ्री दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो से स्टार्ट हुआ और थ्री पे स्टॉप हुआ, ठीक ना, उसके आगे जा ही नहीं रहे वैल्यू, और ये क्लोज इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल होता तो हम ये दिखाते, ओपन में क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है, क्लोज में स्टॉप हो जाती है, मतलब नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा, तो रेंज का याद रखें, रेंज जो आएगा इस क्वेश्चन का रेंज वो हो सकता है माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल थ्री, या फिर लिखेंगे अदरवाइज, ये डोमेन है हाँ, और रेंज हो जाएगा आपका जीरो लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन थ्री, या फिर जीरो टू थ्री, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ।